फ्रेंड्स नमस्कार। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपसे भी कर रहा हूँ। आप मुझे आशा है आप भी गलत जवाब देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ पूछता रहता हूँ क्लास में तो लोग यही बताते रहते हैं। इसमें आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा, तुरंत जवाब दीजिएगा। हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या खाते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। अब मैं आपको ऑप्शन ऑप्शन भी दे रहा हूँ, आप सुनिए। पहला ग्लूकोज, दूसरा शुगर्स, तीसरा स्टार्च, चौथा बोथ ए एंड बी। चार ऑप्शन दे दिया, आप हमें तुरंत कमेंट में लिखिए कि हम क्या खाते हैं। तो मेरे दोस्त, अब मैं आपको बता दूं आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा उसमें ग्लूकोज। आपका जवाब क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर आपने बोल दिया ग्लूकोज। मेरे दोस्त, हम कार्बोहाइड्रेट में, इसमें कार्बोहाइड्रेट में हम एक ही चीज खाते हैं जिनका नाम है स्टार्च। ये केवल मैं इसे भावुकता नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको साइंटिफिकली सिद्ध कर, मैं जितना भी चीज बताऊंगा आपको बिल्कुल साइंटिफिकली ऑथेंटिक रहेगा। एक भी टिप्स, एक भी फैक्ट इधर उधर का मैं बिल्कुल नहीं बोलता। मेरा हाथ ये, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं साइंस की तरह पढ़ाता हूँ, और जितना मुझे नॉलेज देता है मैं वही देता हूँ। एक्स्ट्रा जो मुझे नॉलेज मतलब है, मुझे पता है, लेकिन उसका मुझे मुझे मेरे द्वारा नहीं प्रमाणित रहता, वो भी नहीं आपको बताता। तो स्टार्च जो है, स्टार्च आप, मैं आपसे सिद्ध कर रहा हूँ हम क्यों स्टार्च मतलब कैसे हम कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च लिए। आपको पहले मुझे मेरा कुछ कॉन्सेप्ट आप समझिए, तब आप इस बात पर मैं आता हूँ, पहले इसको छोड़िए। हम लोग हेटरोट्रॉफिक इन नेचर के हैं, जितना भी एनिमल किंगडम आता है ये हेटरोट्रॉफिक नेचर के होता है। एनिमल किंगडम एक एक्सेप्शन में रखा गया, आप जानते होंगे, जैसे आपका इगुलीना जो है एक्सेप्शन में रखा गया, वो पहले प्लांट में रखा गया था, उसके बाद अब यहाँ उठा दिया गया, क्योंकि उसे कुछ फीचर्स बिलोंग करते हैं वहाँ से और कुछ फीचर ये बिलोंग करते हैं यहाँ से, इसलिए उसको कनेक्टिंग लिंक माना गया। आप जानते होंगे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम दैट इज नोन एज यूगुलीना ब्रिटिश। आपने बहुत स्पीसीज के पास, तो इगुलीना जो है, यूगुलीना एक और एक्सेप्शन में, बाकी सारे एनिमल हेटरोट्रॉफिक इन नेचर के हैं। दैट मींस हेटरोट्रॉफिक मींस क्या होता है मेरे दोस्त, हेटरोट्रॉफिक मींस कि वो स्वयं भोजन को जनरेट नहीं कर सकते, स्वयं भोजन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्वयं बना नहीं सकते हैं। लेकिन जो ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। एनिमल क्या है, हेटरोट्रॉफिक इन नेचर है। भोजन को किसने बनाया सनलाइट के प्रेजेंस में, प्लांट ने बनाया। और हेटरोट्रॉफिक नेचर वाले किस पे डिपेंड है, टोटली प्लांट पे डिपेंड है। तो ह्यूमन बींग्स जो है ये तो ओमनीवोरस एनिमल है, इसका मतलब क्या, अगर इसने खाया, देखो ध्यान देना, हम लोग खाते हैं पौधों को, पौधे के तने को, पौधे के फल को, पौधे के बीज को, पौधे के और चीजों हर पार्ट्स को, जड़ को वगैरह सब, हम तरह तरह सब्जियां खाते हैं ना, तो तरह तरह सब्जियां खाएं, तरह तरह के अनाज खाएं, सारी चीजों को खाते रहते हैं, साग भाजी हम लोग खाते हैं, तो ये सब क्या प्लांट के पार्ट है। और मेरे दोस्त, प्लांट में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, प्लांट में स्टोर्ड फूड मटेरियल क्या होता है, योर आंसर विल बी स्टार्च, आर बी इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से मंड। मंड यही तो होता है, स्टोर होता है उनके एक्स्ट्रा जो भोजन रहता है, स्टार्च फॉर्म जाके स्टोर हो जाता है, और वो भी उनके अंदर भी बनता ही ग्लूकोज ही, जब वो सिंथेसिस करते हैं तो ग्लूकोज ही बनाते हैं, ना कि स्टार्च बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। आपने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा होगा, वो ग्लूकोज ही बनता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा हो जाता है उनके हद से ज्यादा तो वो स्टोर कर देते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में या मंड के फॉर्म में। जिस प्रकार से हमारे अंदर जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारे लीवर और मसल्स में, इस प्रकार से वहां पर क्या हो जाएगा, मंड के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उनके तने में भी होता है और रूट में भी ज्यादा होता है, स्टोर होता है। अब बात सुनिएगा, जब उसके सारे पार्ट में स्टार्च यानी मंड स्टोर्ड है, तो हमने खाया, चाहे उसके हम ग्रेन को खाएं, चाहे उसके हम फल को खाएं, चाहे उसके तने को खाएं, चाहे उसके हम पत्ते को खाएं, चाहे उसके जड़ को खाएं, हम क्या खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च ही खाए ना, स्टार्च नहीं खाया हमने, स्टार्च ही खाया मेरे दोस्त। और वो स्टार्च हमारे, हम लोग खा लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का, हमने क्वेश्चन क्या पूछा था, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में क्या लेते हैं, लड़के के बचपन से वही भवगाल बना है, ग्लूकोज हम खाते हैं, हम ग्लूकोज, अरे मेरे भैया ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज तो स्मॉल यूनिट है,
जो कि डाइजेशन के बाद बनता है, उसके बाद ये रेस्पायरेशन में जाके पार्टिसिपेट करता है, जिसके द्वारा एनर्जी रिलीज हो जाती है, एटीपी बनता है, जिसके द्वारा आपकी ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय दिस प्रेजेंस ऑफ दिस एनर्जी, सो वी कॉल एट एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं बता रहा हूँ, तो स्टार्च में आके हम लोग क्या खाते हैं, स्टार्च खाते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम कभी पढ़ा होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप डाइजेशन इन बकल कैविटी पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा एक एंजाइम निकलता है टाइलिन एंजाइम, आपने केवल अभी आज तक एक ही सुना होगा टाइलिन एंजाइम। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक का नाम है आपका वो डायस्टेज एंजाइम। डायस्टेज एंजाइम टाइलिन एंजाइम दोनों ये मिल करके हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, और उसको पहले कन्वर्ट करते हैं किसमें, माल्टोज के फॉर्म में। उसके बाद ये जब आगे बढ़ता है, तब जाके इसके और 60 मॉलिक्यूल में टूटता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, तब ये टूट जाता है, जिसके द्वारा हमारा डाइजेशन ऐसे इसी प्रकार से होता है। तो हम लोग भोजन कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। धन्यवाद, जानते रहिए।